हेलो राम राम दोस्तों, मैं दीपू सिंह राजपूत और आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दीपू के ब्लॉग्स में। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ वो है दिल्ली के सदर बाज़ार की, जो एशिया की बहुत बड़ी बाज़ार है और यहाँ पर बहुत सस्ते सामान मिलते हैं दुकानों के लिए और थोक रेट की मार्केट है। तो चलिए हम वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ पर सामान किस रेट के हिसाब से मिलता है और दिवाली पर क्या खास है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम आपको बंदूक का रेट बता देते हैं कि बंदूक किस रेट के हिसाब से मिल रही है सदर बाज़ार में। तो यहाँ पर 90 रुपये की एक दर्जन बंदूक है, यहाँ पर जो बच्चों के लिए पटाखे वाली बंदूकें हैं 90 रुपये की एक दर्जन। और ये काली वाली का रेट अभी हम बता देते हैं 80 रुपये का एक दर्जन, जो कि बाहर मार्केट में कम से कम आपको 50 रुपये की एक पड़ेगी, पर यहाँ पर 80 रुपये के एक दर्जन। और ये बड़ी वाली बंदूक है तो अभी हम इसका भी रेट आपको बता देते हैं, 240 रुपये का एक दर्जन है, जो कि मार्केट में कम से कम ये 60 रुपये 100 रुपये के बीच में पड़ेगी। पर ये सदर बाज़ार है, ये एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत दूर दूर तक बंदे सामान लेकर जाते हैं दुकानदारी के लिए। तो थोक मार्केट का रेट है ये। तो ये काली वाली जो एक बड़ी बंदूक है इसका भी बता देते हैं हम, 180 रुपये दर्जन, 180 रुपये दर्जन पड़ जाएगा बंदूक का। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर बच्चों के लिए बंदूकें बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो दिवाली के मौके पर पटाखे और इतना पटाखे ना जलाएं कि प्रदूषण फैले, तो प्रदूषण फैलने की वजह से बैन भी लगा हुआ है पटाखों पर। और ये 120 रुपये दर्जन पड़ जाएगी आपको छोटी बंदूकें। तो बच्चों के लिए छोटी बंदूकें अच्छी है, इससे ना तो कोई प्रदूषण फैलेगा और सस्ता सामान यहाँ सदर बाज़ार में मिल जाएगा और कहीं इतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना सदर बाज़ार में मिलेगा। तो अभी इस बंदूक का रेट बता देते हैं हम, 240 रुपये दर्जन आपने रेट देख लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ती और थोक मार्केट है। तो यहाँ से सामान लेकर जाते हैं फिर दुकान के लिए, यहीं से सामान लेकर जाते हैं। और अभी मोमबत्ती की बात करते हैं, 40 रुपये का एक पैकेट मोमबत्ती है यहाँ पर, जो कि बहुत ही सस्ती मोमबत्ती है यहाँ पर, 40 रुपये की एक पैकेट, जो कि बाहर मार्केट में बहुत महंगी पड़ती है पर यहाँ पर बहुत सस्ती है। और हम दिए की बात करते हैं, जो मोमबत्ती वाली दिए है यहाँ पर 30 रुपये का एक डिब्बा है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बहुत ही सस्ती मोमबत्ती यहाँ पर मिल जाएगी। और ये भी देख लीजिए, 30 रुपये का एक डिब्बा मोमबत्ती यहाँ पर पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको बहुत सस्ते सामान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मोमबत्ती हर तरह के फूल बनी हुई मोमबत्ती है। और ये दिए वाली लड़ी की बात करते हैं तो 50 रुपये की एक लड़ी है, जिसमें 25 दिए बनी हुई है यहाँ पर, और दिवाली पे जलाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये सब। और ये छोटे मोटे पटाखे हैं जो कि प्रदूषण ना फैले, इसलिए और पटाखे हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे और ना यहाँ पर और पटाखे बिक रहे हैं। तो ये बच्चे के लिए छोटे पटाखे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। और 50 रुपये की 24 डिब्बी है, जी हाँ 50 रुपये की 24 डिब्बी, बहुत ही सस्ता है। और बड़ा डिब्बा हम बता देते हैं, 200 रुपये का 50 डिब्बा पड़ जाएगा आपको यहाँ पर, बहुत ही सस्ता यहाँ पर पड़ जाएगा 50 रुपये का, और 200 रुपये के 50 डिब्बे पड़ जाएंगे। और लड़ी की बात करते हैं, दिवाली पर लड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो अभी इस लड़ी के बारे में आपको बता देते हैं। ये 420 रुपये दर्जन पड़ जाएगी आपको छोटी लड़ी यहाँ पर। और अभी हम आपको बड़ी लड़ी का भी रेट बता देते हैं यहाँ पर, कि किस रेट के हिसाब से आपको बड़ी लड़ी मिल जाएगी यहाँ पर। तो सदर बाज़ार में बहुत सस्ती मिलती है, और 200 रुपये का एक पीस, मतलब एक बंडल जो आपको पड़ेगा 200 रुपये का। और यहाँ पर रेजर लाइट जो लगी हुई है, अभी हम लाइट के बारे में भी आपको बताते चलेंगे, कि ये 50 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा लाइट। और आगे हम दिखा देते हैं आपको लेडसों के लिए झुमके वाले ये सब, कि किस रेट के हिसाब से आपको पड़ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर थोक रेट की मार्केट है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। और ये 10 रुपये 20 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा आपको यहाँ पर, जो कि बाहर आप कहीं भी ज्वेलरी के दुकान पर या बाहर से ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अगर आपको दुकानदारी करना है तो सदर बाज़ार से लेकर जाइए। और ये गुड्डे गुड़िया दिखा देते हैं हम आपको गिफ्ट देने के लिए, कितना सस्ता है, 250 रुपये का एक पीस, मतलब जो एक डिब्बे में है वो 250 रुपये का पड़ जाएगा आपके लिए यहाँ पर। और थोड़ा उससे सस्ता भी हम आपको दिखा देते हैं कि वो कितने का पड़ जाएगा। तो ये देख लीजिए, 220 रुपये का है।
और इसी के रेट के हिसाब से आपको 200 रुपये 150 रुपये जिस तरह के आप सामान लोगे उसी तरह का आपको यहाँ पर रेट लग जाएगा। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के सामान है तो हर तरह के रेट है। और ये दिखा देते हैं खिलौने, 90 रुपये का एक दर्जन बच्चों को बजाने के लिए, देख लीजिए खिलौने जो बच्चे बहुत ज़्यादा बजाते हैं, 90 रुपये का एक दर्जन था। और बात करते हैं जो घर में लगाते हैं, शुभ दीपावली शुभ लाभ लिखा हुआ और माता की फ़ोटो बनी हुई, इसका रेट हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि 20 रुपये का पैकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 पीस और 24 पीस का पैकेट है जो 20 रुपये और 30 रुपये के हिसाब से पड़ता है आपको यहाँ पर। और ये उससे बड़ा हम आपको दिखा देते हैं जो गेट पर चिपकाते हैं, शुभ दीपावली लिखा हुआ और भगवान की फ़ोटो बनी हुई, तो 50 रुपये का एक पैकेट है। और इसके अंदर एक दर्जन पीस है इसमें, जो कि यहाँ से आप लेकर बाहर ख़रीदारी कर सकते हो। और ये देख लीजिए 180 रुपये का एक दर्जन था जो अभी आपने देख लिया, और ये 17 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा। आप देख सकते हो कितना सस्ता दिवाली के लिए सामान आपको सदर बाज़ार में पड़ जाएगा यहाँ पर 17 रुपये पीस के हिसाब से। और हम आपको और लड़ी दिखा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि लड़ी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है दिवाली पर, तो 350 रुपये का दिख लिए आपने लड़ी जो 350 रुपये की पड़ती है यहाँ पर। और हर तरह की लड़ी मिल जाएगी आपको, तो रेट यहाँ पर और कम ज़्यादा किया जा सकता है। और ये छोटी लड़ी देख लीजिए 50 रुपये का 20 मीटर है, तो बड़ी लड़ी आपने देख लिया था 350 रुपये का 100 मीटर था। और ये बच्चों के गाड़ी की बात करते हैं हम यहाँ पर, जो बच्चों के खिलौने हैं बहुत सारे खिलौने यहाँ पर थोक रेट की मार्केट से आप खरीद कर दुकानदारी कर सकते हैं। तो अभी हम इसका रेट आपको बता देंगे कि किस रेट के हिसाब से मिल जाएगा आपको यहाँ पर सदर बाज़ार में। तो ये 360 रुपये का एक दर्जन, मतलब ये जो आपको गाड़ी बनी हुई है 360 रुपये का एक दर्जन। और ये बड़ी वाली जो गाड़ी दिख रही है नीली वाली, ये 400 रुपये का एक दर्जन है, जो कि बाहर मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है यहाँ पर। और ये इसका दिखा देते हैं 1200 रुपये का एक दर्जन, जो कि ये बहुत बड़ी और बढ़िया गाड़ी है, तो 1200 रुपये की एक दर्जन है बच्चों के लिए खिलौने की वाली जो गाड़ी है। और अभी और आगे हम रेट दिखा देते हैं, उससे सस्ता भी दिखा देंगे, जो 65 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा आपको ट्रैक्टर और क्रेन या हर तरह की गाड़ी आपके लिए 65 रुपये का एक पीस पड़ जाएगा। जिस तरह का भी बच्चे लेने चाहे खिलौने के रूप में हर तरह का मिल जाएगा। और फूल दिखा देते हैं आपको, किसी को गिफ्ट देना हो या दिवाली के मौके पर घर सजाना हो तो देख लीजिए 100 रुपये का 3 पीस, इतना प्यारा फूल आप देख रहे हो 100 रुपये का 3 पीस पड़ जाएगा। और अभी हम आगे आपको और दिखा देते हैं लड़ी, जो कि घरों में सजाने वाली, ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, 480 रुपये का है, इसमें 10 पीस होते हैं जो कि झूमर टाइप का है। और ये देख लीजिए जो उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और हम पूरा दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर ख़रीदारी करने में, तो आप यहाँ आकर आसानी से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो अभी इसका रेट भी हम आपको बताते चलते हैं कि किस रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। ये 450 रुपये का 10 पीस पड़ेगा आपको यहाँ पर, जो कि बहुत ही प्यारी लाइट है। और ये छोटा वाला जो माला जैसे है, इसका भी रेट आपको हम बता देते हैं कि ये कितने का पड़ जाएगा। तो ये आपको 120 रुपये का एक दर्जन पड़ जाएगा। आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, 120 रुपये का एक दर्जन। और ये उससे छोटा जो है 80 रुपये दर्जन पड़ जाएगा। और ये देख लीजिए घर में लगाने के लिए जो चूड़ी से बना हुआ है और फूलों से भी बना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो इसका रेट आपको हम बता देते हैं, उससे पहले आपको पूरा दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये 360 रुपये की लड़ी है, जिसमें 10 पीस मिलेगा आपको। जी हाँ, 360 रुपये में 10 पीस मिल जाएगा आपको। तो दिवाली बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है इस बार, क्योंकि इस महंगाई में बहुत ज़्यादा सस्ते सामान आपको सदर बाज़ार में मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिए पत्ते का और भगवान के मूर्ति का लगा हुआ माला जो है, इसका भी आपने रेट देख लिया। और ये इधर देख लीजिए छोटे वाले माले का, जो कि 70 रुपये और 60 रुपये के हिसाब से माता जी यहाँ पर बेच रही हैं, तो यहाँ पर आके आप ख़रीदारी कर सकते हो। और ये हर तरह के झूमर और
फूल वगैरह के माले बने हुए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देख लीजिए, और आपको हम माला दिखा देते हैं जो झूमर टाइप का लड़ी है, झालर है, इसका भी रेट आपको हम बता देंगे। आपको इकट्ठे ही दिखा रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और अच्छे से आकर यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हो आप। तो ये 400 रुपये का 10 पीस है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखने में, 400 रुपये का 10 पीस। और अब बात करते हैं कंघे की, जो कि 30 रुपये का एक दर्जन कंघा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि एक दर्जन कंघा सिर्फ 30 रुपये में पड़ जाएगा, जो कि बाहर मार्केट में कम से कम 30 रुपये का एक पड़ता है। और ये छोटी जो कंघी होती है ये भी आपको 20 से 30 रुपये की एक दर्जन पड़ जाएगी आपको यहाँ पर, जो थोक मार्केट का रेट है यहाँ पर। तो चलिए आपको हम यहाँ पर बच्चों के लिए चश्मा दिखा देते हैं, 60 रुपये का एक दर्जन। जी हाँ, 60 रुपये का एक दर्जन चश्मा पड़ जाएगा आपको यहाँ पर बच्चों के लिए। और ये बिंदी दिखा देते हैं, जो लेडसों के लिए बिंदी है, बहुत ही सस्ती बिंदी यहाँ पर पड़ जाएगी आपको, 30 रुपये का 12 डिब्बी। जी हाँ, एक डिब्बा आपको पड़ जाएगा, उसमें 30 रुपये में 12 डिब्बी पैक होती है एक डिब्बे के अंदर। और ये देख लीजिए, छोटी सी बच्ची चिड़िया बनी हुई बेच रही है, टोकरी टाइप की, जो कि 60 रुपये का एक जोड़ा मिल रहा है यहाँ पर, जो सदर बाज़ार में लेना हो। और ये लिपस्टिक और लेडसों का सामान यहाँ पर एक रेट के हिसाब से मिल रहा है, जिसका रेट आपको हम बता देते हैं, 60 रुपये का एक दर्जन। 60 रुपये के एक दर्जन के हिसाब से आपको यहाँ पर लेडसों के सामान मिल जाएंगे, लिपस्टिक, काजल और मेहंदी, हर तरह के सामान आपको मिल जाएंगे। और विक्स की डिब्बी भी 60 रुपये का एक दर्जन पड़ जाएगी आपको यहाँ पर। और ये लेडीज़ के लिए बालों में लगाने के लिए आपको हम दिखा देते हैं, 10 रुपये का एक पत्ता पड़ जाएगा आपको। और यहाँ पर हम क्लेचर भी दिखा देते हैं लेडसों के लिए, कि इसका क्या रेट होने वाला है मार्केट में। ये 20 रुपये का 30 पड़ जाएगा आपको पैकेट, 20-30 रुपये का एक पैकेट पड़ जाएगा। और ये झुमके दिखा देते हैं लेडसों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास है यहाँ पर, देखने में बहुत अच्छा है, 50 रुपये का एक जोड़ा। आप झुमके देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर देखने में, बहुत प्यारे झुमके हैं, 50 रुपये का एक जोड़ा पड़ जाएगा आपको यहाँ पर सदर बाज़ार में। और आपको हम यहाँ पर और झुमके, कंगन और गले का हार सब कुछ आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे कि किस रेट के हिसाब से पड़ जाएगा। तो ये देख लीजिए, 180 रुपये का एक डिब्बा है, इसमें 12 पीस है और 180 रुपये का एक डिब्बा पड़ जाएगा। और ये लेडसों के लिए ब्रेसलेट दिखा देते हम, ये 10 और 20 रुपये के हिसाब से आपको ब्रेसलेट पड़ जाएगा, अगर किसी को गिफ्ट देना हो या पहनना हो तो बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर बड़े बड़े झुमके और हार दिखा देते हैं हम, कि किस रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। तो ये 60 रुपये का एक पैकेट पड़ जाएगा आपको। ये जो गले का है और माथ बिंदिया है और कान का है, ये सब 60 रुपये का एक डिब्बा पड़ जाएगा आपको यहाँ पर। और अभी हम आपको बिछुआ दिखा देते हैं, 180 रुपये का एक दर्जन बिछुआ हमने आपको दिखा दिया अभी। और ये देख लीजिए, 100 रुपये के 4 पत्ते पड़ जाएंगे आपको यहाँ पर। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा सस्ते सामान यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये यहाँ भी आपको झुमके मिल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते, 30 रुपये का, 50 रुपये का एक जोड़ा झुमके मिल जाएंगे आपको, जो कि बहुत अच्छा। और देख ले, 3 रुपये का एक पीस, मतलब एक पत्ता आपको 3 रुपये का पड़ जाएगा आपको। तो लेडसों के लिए यहाँ पर मार्केट कुछ ज़्यादा ही खास है। और देख लीजिए, आपको किसी को गिफ्ट देना हो या घर में रखना हो तो आपके लिए गुलाब का फूल और हर तरह का फूल फल लगे हुए आपको, देख लीजिए, बहुत सस्ते यहाँ पर पड़ जाएंगे, 60 रुपये का एक जोड़ा। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा फूल है यहाँ पर, सिर्फ 60 रुपये। और ये देख लीजिए, फल लगे हुए जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे गुलदस्ते लग रहे हैं यहाँ पर, ये 100 रुपये के 6 पीस पड़ जाएंगे आपको। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत सस्ते सामान मिल जाएंगे। और ये गुलदस्ता आप देख लीजिए, ऊपर 80 रुपये का एक जोड़ा पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छी मार्केट है। तो चलिए, इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं सदर बाज़ार मार्केट की।
तो दोस्तों मेरी ये सदर बाजार मंडी की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, जो कि आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर सामान बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, इतना सस्ता सामान कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये एशिया की बहुत बड़ी बाज़ार बताई जाती है, और इंडिया में कहीं भी दुकानदारी करना है तो यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। तो वीडियो जैसी भी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।